तो गाइस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि किस तरह से हम लोग एक स्ट्रिंग है तो उसमें वोवेल है या नहीं और कॉन्सनेंट है या नहीं ये चेक करने के लिए, मतलब कि अगर एक स्ट्रिंग है तो उसके अंदर में हम लोगों को कॉन्सनेंट कोई लेट कैरेक्टर है या नहीं ये चेक करने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम लिखेंगे और वो उसमें कोई कैरेक्टर वोवेल है या नहीं तो ये चेक करने के लिए हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग यूज़र इनपुट लेंगे, यूज़र इनपुट के बाद हम लोग कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या होगा कि अगर हम लोग का टोटल पांच ये है क्या वोवेल है ए ई आई ओ यू, तो हम लोग क्या करेंगे जो यूज़र इनपुट हम लोग सी ले रहे हैं ना कैरेक्टर उसमें क्या लगेगा कंडीशन लगा देंगे। अगर इस ये जो इनपुट है ना जो भी हम लोग अगर जो भी कैरेक्टर हम लोग इसके साथ वोवेल के साथ इस पांचों वोवेल के साथ अगर इक्वल हो गया कंडीशन में तो हम लोग क्या करेंगे उसको वोवेल इट इज़ अ वोवेल प्रिंट कर देंगे करवा देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे इफ़ कंडीशन सी इक्वल्स टू ए, ए क्या है हम लोग का वोवेल है तो इस तरह पांचों वोवेल को लिख देंगे यहाँ पर कंडीशन में। और क्या करता है कि ये चेक करता है अगर लेफ्ट साइड वाला अगर फॉल्स रहा तो ये राइट साइड वाला को चेक करता है, राइट साइड वाला फॉल्स रहा तो फिर आगे की ओर चेक करता है। तो इस ऐसे करके ये सारा कंडीशन चेक करता है सारा कंडीशन, अगर एक भी फॉल्स सभी भी फॉल्स रहा तब जाके ये उस कंडीशन को नहीं चलाएगा कंडीशन के अंदर में नहीं जाएगा, लेकिन अगर एक भी ट्रू हो गया तो उस कंडीशन के अंदर में ये उस कोड को चला देगा। तो अभी क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सारे को कंडीशन में रख दिए हैं और हम लोग और ऑपरेटर यूज़ किए हैं ठीक है और कीवर्ड यूज़ किए हैं। सबसे पहले हम लोग कर देते हैं यहाँ पर ठीक, और एल्स पार्ट में क्या देंगे अगर इसे मैच किया तो ठीक है, नहीं मैच किया तो उसको कंसनेंट बोला जाएगा। तो इस केस में क्या होगा ना कि अगर हम लोग कोई भी दूसरा ऑपरेटर यूज़ करते हैं हैज़ यूज़ करते थे डॉलर यूज़ कर लेते हैं तो उसको भी ये कंसनेंट ही चेक करेगा, मतलब बोलेगा मतलब आउटपुट में देगा। तो उस कंडीशन में ये देखा जाए तो वो टेस्ट केस पास नहीं कर रहा है, लेकिन वोवेल के केस में ये टेस्ट केस पास कर रहा है कि हाँ ये वोवेल के केस में ये टेस्ट केस पास करेगा ये प्रोग्राम। सो लेट्स सी, तो इट इज़ एन कंसनेंट एरर। सी इट इज़ अ कंसनेंट, तो नाउ इट इज क्लियर है। और आई यहाँ तक फाइन है और एक प्रोग्राम देख लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं। अभी कोई भी देते हैं वैल्यू, सो आई इज़ द हम लोगों को पता है आई वोवेल है तो आई इज़ द वोवेल। तो गाइस थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।